दोस्तों पहले वनडे में शामिल हुआ दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज अकेले ही चटा सकता है श्रीलंका को धूल। तो आखिर वह कौन सा खिलाड़ी है जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर भारतीय टीम के जबरा फैन है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने पहला T20 मुकाबला 2 रनों से अपने नाम कर लिया, लेकिन दूसरे T20 मुकाबला मात्र 16 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ तीसरा T20 मुकाबला बेहद ही रोमांच हो गया। आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले में बैटिंग करते हुए स्काई मैन सूर्य कुमार यादव ने 51 बाल का सामना करते हुए 112 रनों की एक शतकीय पारी खेली और श्रीलंका के गेंदबाजों का जमकर धुलाई किया। इनके इसी बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवर में 228 रन बन गए। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका के बैट्समैन पिच पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और पूरी टीम 16.4 ओवर तक जाते जाते ऑल आउट हो गए और भारत ने 91 रनों के एक बड़े अंतर से इस सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि T20 के बाद अब वनडे मैच होने वाला है जिसमें सबसे पहला मैच बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में 10 जनवरी को 1:30 बजे होने वाला है, जिसमें दोस्तों अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो KL राहुल और रोहित शर्मा हमेशा वनडे मैच में ओपनिंग का भार संभालते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत चेंजिंग नजर आ सकता है। दोस्तों फैंस यह दावा कर रहे हैं कि पृथ्वी शाह और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को टीम में जगह मिलना चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा काफी दिनों से अपने बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी में 6 बॉल पर 6 छक्का भी हाल ही में लगाए हैं, तो कहीं न कहीं इनको एक बार टीम में मौका मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा।